2 बजे के बाद फिर 8 बजे तक बहुत तगड़ा जाम लगता है। बहुत खराब ट्रैफिक इस वक्त, कहो तो उनसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों ने यहाँ से अपना रिक्शा हटा दिया। मंत्री या नेता निकलते हैं तो जो है जाम हट जाता है, उसके बाद फिर चालू हो जाता है वैसे ही। गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसी है लखनऊ की यातायात व्यवस्था, आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं आम जनता के बीच। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किन किन चौराहों पे ये जो ट्रैफिक है वो लगता है, और आखिर ये प्रॉब्लम जो है वो लंबे समय से जो चल रही है वो क्यों रिजॉल्व नहीं हो पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ रोड लाइव और मैं हूँ आपके साथ प्रेक्षा पांडे। इस वक्त हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हुसैनगंज हो या आलमबाग चौराहा हो या इस तरह के जितने भी चौराहे हैं, इन सब पे अभी भी ट्रैफिक सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो पाया। तो आइए चलते हैं हम और जानते हैं कि ट्रैफिक लगने के पीछे का कारण क्या है। आपका नाम? राजेश गुप्ता। राजेश जी, क्या कारण है जो अभी तक बलिंगटन चौराहे की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाई है? इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रही है, रिक्शे जो है बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं चौराहे पे, इसलिए। तो क्या ट्रैफिक पुलिस अच्छे से काम नहीं करती? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती है। थोड़ी देर के लिए वो लोग आते हैं और फिर हट जाते हैं, फिर लग जाते हैं रिक्शे। इससे हम लोग के बिजनेस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे कि यही है, आप कस्टमर आने का रास्ता ही नहीं रहता, पूरी दुकान घेरे रहते हैं हर तरफ से, इसलिए दिक्कत। कहो तो उनसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? रिक्शा वाले? चले, हाँ। तो उनसे झगड़ा हम कैसे करें, जब प्रशासन नहीं कुछ कर पा रहा तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है बलिंगटन चौराहे की वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। हाँ, वो जब मंत्री या नेता निकलते हैं तो जो है जाम हट जाता है, उसके बाद फिर चालू हो जाता है वैसे ही। तो यहाँ पे और होमगार्ड होने चाहिए, यहाँ पे बहुत कम होमगार्ड है चौराहे के हिसाब। बलिंगटन चौराहे पर अभी भी इतना ट्रैफिक लग रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही? अरे साहब, बहुत जाम लगता है, दो बजे के बाद फिर 8 बजे तक बहुत तगड़ा जाम लगता है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बलिंगटन चौराहे पर, और जाम लगने का सबसे ज्यादा कारण होता है ये रिक्शा। देखिए, अब जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया है, ये रिक्शे वाले हटते गए। इतनी देर से ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे कोशिश कर रही थी इन रिक्शों को हटाने की, लेकिन ये रिक्शे वाले हट नहीं रहे थे। जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया, ये सारे रिक्शे वाले जो है रिक्शा लेकर हटने लगे। ज़्यादातर जो ट्रैफिक का कारण होता है वो यही होता है कि यहाँ पर जो है ये रिक्शे वाले जो होते हैं छोटे छोटे, ये लोग रिक्शा जो है अपना खड़ा कर देते हैं, इसकी वजह से जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती। और क्या कारण हो सकते हैं, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। लोगों ने जिस तरीके से बोला कि उनको प्रॉब्लम हो रही है जब यहाँ पर रिक्शे वाले जो है वो खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, और यातायात पुलिस भी अपना काम नहीं करती, तो हम इस वक्त ट्रैफिक पुलिस से ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, ये बताइए, लोगों का ऐसा कंप्लेन है कि आप लोग जो है सही से काम नहीं कर रहे, इस वजह से बलिंगटन चौराहे पर इतना जाम लगता है। पर जाम बहुत ही कम लगता है, दबाव रहता है, जाम यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे हमने पहले कैमरा ऑन किया था तो कुछ रिक्शे वाले जो थे उन लोगों ने यहाँ से अपना रिक्शा हटा दिया, अपनी ऑटो हटा दी, लेकिन इसके बाद भी अब हम देख पा रहे हैं कि दो रिक्शा और एक ऑटो जो है वो हमारे पीछे खड़ी हो गई है। तो जिस तरह से रिक्शे वालों की मनमानी चल रही है, उससे जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी ही होगी। मेरा नाम जावेद खान है। जावेद जी, आपकी शॉप है ये? जी। तो आप अक्सर यहाँ पे देखते रहते हैं, क्या है बलिंगटन चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया है, असल में ये जो है थोड़ा सा टाइम अगर इसको दिया जाए तो यहाँ जाम नहीं लगेगा। टाइम दिया जाए मतलब? ये जिसमें जो रेड लाइट है, हाँ। ये रेड लाइट थोड़ा देर के लिए अगर दे दे तो सही रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये है। हाँ, ये आपके हिसाब से बस इतनी ही समस्या, और कोई समस्या नहीं है सर। जाम आपके हिसाब से क्या लगता है, ट्रैफिक व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस और करने चाहिए? आपसे तो बहुत खराब ट्रैफिक इस वक्त, और हमें तो रोजाना एवरीडे हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे लगता है ये जो पहले वाला रास्ता है वो बंद कर दिया गया VIP की वजह से, तो इस गवर्नमेंट को कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो भी प्रॉपरली वो नहीं है, हाँ, वर्क नहीं करती हैं। जैसे एक लाइट 10 सेकंड के लिए बंद हुई तो दूसरी लाइट को 3 मिनट के लिए चले। अच्छा। हाँ, मतलब एक साइड की जिसमें ट्रैफिक है नहीं, और जिसमें ट्रैफिक है वो 10 सेकंड या 20 सेकंड में बंद हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बताइए कि जो हुसैनगंज चौराहे पे और जो क्या कहते हैं आगे बलिंगटन चौराहे पे ये जो ट्रैफिक लगता है उसके पीछे का कारण क्या है?
मैम एक कारण तो ये हो सकता है कि कुछ लोग अनवेयर है, थोड़े अनएजुकेटेड टाइप के होते हैं जो बीच में कई गाड़ियां रोक देते हैं, साइड में भी गाड़ियां रोक देते हैं ताकि लोगों को ट्रबल होती है। और दूसरी कारण हो सकते हैं कि पुलिस ट्रैफिक जो होते हैं वो खड़े नहीं होते उस जगह पे, वो एक्टिव नहीं होते, वो होते साइड में कहीं जाके बैठ जाते हैं या फिर बातें करते हैं। हम मैंने अधिकतर देखे हुए लोग जो होते हैं उन लोग वो फ़ोन पर बातें किया करते हैं, तो इस वजह से पीपल भी अनवेयर होते हैं उस पर, तो वो कहीं भी चले जाते हैं, बस ये मेन कारण है। आप बताइए क्या कारण। मैम यही कारण है, और सड़क पे कोई सी भी दुकान लगा लेना, और रिक्शे वाले मेन चीज़ है, रिक्शे वाले बीच में आ जा रहे हैं और